उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है, सूचियां उधर से आई हैं और इधर से भी गई हैं। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए उसमें से 1 लाख बच्चे 100% नंबर आ भी गए तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? उससे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं, तो लोग जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ सके।